ओ करछी डांस करछी डांस करछी डांस करछी डा टेंटे मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम निकल रहे हैं पुंछ से सब्जियां की ओर, उससे ऊपर एक ढोक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली पिकनिक। आई एम गोइंग विद अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ये मेरे भाई अभी गिरते गिरते बचा है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा बाग है पीछे, ये मेरे जीजू का है जिसमें प्लम्प और क्या क्या कन्नू पोत्रे किम्ब। हाँ, तो जितने भी हमारे लोकल फ्रूट्स हैं फ्लावर्स हैं सब लगे होते हैं। तो अभी बीच में से फ़ोन आ गया है और ये मेरे उन्हीं दोस्तों का है जिनको मैंने बोला था कि सुबह 7 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से, और अभी जो टाइम है वो है 11:35। क्रेडिट मुझे भी जाता है थोड़ा, बाकी इनको भी जाता है। रात को पबजी खेलते हैं और सुबह इनसे उठे नहीं जाता है। मेरे पीछे आपको बैग दिख रहा है ना जो मैंने टांगा हुआ है, ये कम से कम 15 किलो का है भाई। तो जितना इजी मैं दिखा रहा हूँ ना इतना इजी है नहीं इसको उठाना। ये अभी घर से इधर तक आते मेरी हालत ख़राब हो गई है, आगे का भगवान जाने। खैर छोटे भाइयों को साथ लेके जा रहा हूँ, इनको लालच दूंगा, आपके पिक्चर्स क्लिक करूँगा और ये मेरे बैग उठा लेंगे। इससे बंदे को आप जानते हो गए, मकलोडगंज वाले व्लॉग में देखा होगा इसको, इसका नाम अरुण। ये मेरा भाई हर्ष जीजू और ये कोरोना बुआ है। चलो गाड़ी में सामान रखते हैं, हम निकल लेके आएंगे। चलो हम निकले हैं अभी पावर हाउस से और ये नहाएंगे कहाँ पे, हम नहाएंगे हम सब्जियों में। ठीक है, मैं देखो लेके आया हूँ अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम। भाई अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आए हो। ये कलाई से टर्न हो गया रास्ता चंडक की ओर, वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो वहाँ पे हम जाने वाले। तो यहाँ से जो रास्ता स्ट्रेट जा रहा है ये पुंछ, और ये जो हमने जो टर्न लिया है ये जा रहा है मंडी की ओर। ये मेरा भाई है, इतना अच्छा है, मैं जब तक नहीं आया, 1 साल हो गया मुझे आए हुए इधर, तो 1 साल ये भी नहीं गया है, नहीं आया कटम पे। पीछे जो पानी देख रहे हो ना, दिल खुश हो रहा है इसको देख के, लेकिन ये पानी इतना ठंडा है कि हालत ख़राब हो जाएगी। एक ये हमारे साथ एक सुपर ह्यूमन है जिसको इस ठंडे पानी से कुछ नहीं होता है। राइट हैंड साइड से मंडी का बाज़ार, जहाँ से आपको हर जगह का बस स्टैंड, मंडी का बस स्टैंड जहाँ से आपको हर जगह की गाड़ी मिल सकती है, जम्मू पुंछ सुरनपुर पैंडर का मुझे पता नहीं। ये पहुँच चुके हैं हम मंडी ब्रिज पे। क्या मस्त हवा चल रही है और क्या मस्त, आप देख सकते हो कि ये जुलाई का महीना चल रहा है और मैंने जैकेट पहन रखी है और मुझे गर्मी नहीं लग रही है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ का मौसम कैसा होगा। और इससे ऊपर जहाँ जाएंगे वहाँ का मौसम तो इससे भी अल्टीमेट होने वाला है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब तक मैं पुंछ में रहता था, अब मैं जम्मू में रहता हूँ, तब तक मुझे ना इन जगहों की वैल्यू पता नहीं थी। जैसे जैसे मैं इन जगहों से दूर होता गया और तब तक मुझे इन जगहों की वैल्यू रियलाइज़ होना जा रही है, होती जा रही है। तो अब मैं जम्मू में रह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पुंछ आके रहने का ज़्यादा मन कर रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं मंडी, ये जो रास्ता जा रहा है ये जाता है लोरन, और यहाँ से हम जा रहे हैं सब्जियों की ओर, और ये है बूढ़े अमरनाथ मंदिर का एंट्रेंस। इन पुराने ब्रिजेस से मुझे प्यार है ना। रेस्ट कर लिए, थोड़े ड्रोन शॉट लिए हैं इस प्यारी सी जगह के। चलो भाई अरुण, चलो भाई लेट्स मूव। ठीक हो जनाब? आगे की रोड साफ हो चुकी
सब्जियों से ऊपर जी से ऊपर हो गया रंगाबाड़। रंगाबाड़ वहाँ पे है टोक। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स क्योंकि हमारे इस बंदे को भूख लगी हुई है और प्यास भी। डर के आगे जीत। हम पहुंच चुके हैं सब्जियां और ये है सब्जियां की मेन मार्केट। टॉपिंग कर दी हो फिर तो हम चले जाएंगे। जगह का कुछ ऐसा है कि पता नहीं लगता कब धूप हो जाएगी कब बारिश हो जाएगी। हम जब निकले थे तब कितनी धूप थी और सामने अगर आप देखोगे तो बादल आ चुके हैं। जाने दो जाने दो। आप ये बंदों को हमने भेजा है बाहर। जाओ उनको उनकी गाड़ी निकलवाओ। पत्थर देखो आगे। जाओ जाओ पत्थर छत्तर देखो। क्लियर करो रोड। हाय बेबी। गली मैदान हमने क्रॉस कर लिया है। भाई लोगों पहुंच चुके हैं हम डुगन डोक जो आती है गली मैदान से ऊपर आके। और यहाँ पे रश देख के मुझे डर लग रहा है कि इतने लोग इधर कर क्या रहे हैं। मैंने कभी भी इतने लोगों को यहाँ पे नहीं देखा। शायद कोई शादी वादी तो नहीं है यहाँ पे भाई। बस ये लोग गन ना डालें बाकी सब ठीक है। यहाँ पे एक टाइम पे कोई भी नहीं आता था और आज देखो लोगों के जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। जाने देते ना ऊपर ऊपर पड़ना पुलिस की आर्मी। अच्छा आर्मी की पोस्ट है ऊपर जाके। हवा टायर है ना पिछला ना। नारियां डोक हम पहुंच चुके हैं। ये मेरे शेर जवान बैठे हुए हैं सारे। तू आयो ना पहले इधर। मैं बहुत बार आया हूं बस इन्हें कुल पूछना बेकार है। हाय अरुण। हाय कैसा लग रहा है? गुड। हर्ष तीसरी बार तुझे? हाँ तीसरी बार आया हूँ लेकिन हर बार देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। लोग ज्यादा हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है गंद पड़ जाएगा यहाँ पे? प्रशासन की गलती है यहाँ पे। बस बस प्रशासन का नाम नहीं लेना। प्रशासन की रोड है। प्रशासन की सरकार का बिल्कुल नाम नहीं लेगा कोई यहाँ पे। कोई नाम नहीं लेगा प्रशासन की सरकार का। हम प्रशासन के साथ हैं। थोड़ा चेंज करने का वक्त आ चुका है क्योंकि हम लोग थोड़ा चलेंगे। तो इन लोगों को मैंने भेज दिया है, फैमिली को मैंने भेज दिया आगे और मैं उतर गया हूँ ताकि कुछ अच्छे शॉट मुझे मिल जाए क्योंकि गाड़ी में बहुत घूम लिया भाई। पैदल चलने का फील लेना है अब।
ये आप देखोगे कि इन लोगों के लिए कुछ सामान जो ज़रूरी है वो इन लोगों ने ला के रखा हुआ है। मार्केट लगाई है, छोटी चप्पलें, चप्पलें बेच रहे हो भैया? अरे जो डोकें क्या हैं, बेसिकली डॉग्स जो होती हैं ये लोगों के टेम्परेरी घर हैं। तो गुज्जर और बकरवाल क्या करते हैं कि वो सर्दियों में यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो गर्मियों में इन एरियाज़ में वापस आ जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ। शीप्स होगी, काउज होगी, बफेलोज होगी, तो उनके साथ आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनकी ग्रेजिंग वगैरह सब सही से हो जाती है। तो सर्दी गर्मियों में यहीं रुकते हैं, तो बेसिकली वो मूव करते रहते हैं पूरे साल। ये रोड जो है अगले साल तक प्रॉपर बन जाए होपफुली, तो हम सीधा टंगमग जाएंगे। तो यहाँ से फिर श्रीनगर जाने में 1 घंटा लगेगा, मतलब गुलमर्ग जाने में। पानी की ओर आ गया हूँ, अब चल के हम सोच रहे हैं कि थोड़ा स्नान कर लिया जाए। पानी बहुत सही है, मज़ा आने वाला है नहाने का। हमारे शेर का फोटो सेशन चल रहा है, वाओ, ओ माय गॉड, क्या बात है। पानी ठंडा है, पानी और यहाँ पे चैलेंज लग चुका है 6 मिनट पानी के अंदर रहने का। अब टाइम आ चुका है हम थोड़ा नहा ले इस पानी में, ज़्यादा नहीं, पानी बहुत ठंडा है क्योंकि ये ग्लेशियर का पानी है, तो ज़्यादा देर नहीं, बस एक एक डुबकी तो मैं और हर्ष लेंगे। ओहो, और पानी ठंडा है। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही चलना चाहिए। हाँ भाई, पानी बहुत ठंडा है, एक ही डुबकी मारी है, हालत खराब हो गई है। कैमरा सीधा करना है, नहा धो के बाकी लोग ऑलरेडी गाड़ी में चले गए, ताकि जो हमने खाना लाया था उसको गर्म कर सके, और हम लोग अभी निकले। शाबाश शेरो, यहाँ डोक तक का सफ़र यहीं तक था, नीचे जाना बहुत ईजी था नहाने के लिए, ऊपर आते टाइम हालत ख़राब हो गई। जय महेश मती। मैं अकेला छोड़ के खाना खाने के लिए आके बैठ गए, और ये वही लोग हैं जो हमें अकेला छोड़ के खाना खा रहे हैं। इधर आ जाना, इधर बैठ जाओ, ठीक है। चलो भैया, ब्लॉग के अंतिम क्षणों में पीते वाला पीते ले लो, पीते वाला पीते ले लो।
इधर मुड़ो, वापस मुड़ेंगे, वापस मुड़, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़, वन टू वन, वन टू वन, बस उधर ब्रेक मारेंगे। आ जाओ आ जाओ शाबा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। व्लॉग की समाप्ति अभी हमारी इस जगह होने वाली है, ये देखो ओए डांस हो जाए, करछी पकड़ के, ओ करछी डांस, करछी डांस, करछी डांस, करछी डांस, टेंटे टेंटे टें। तो गाइस आज का व्लॉग हमारा हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, बहुत ही अमेजिंग जगह थी और बहुत मज़ा आया। अगर आप पूछ आ रहे हैं तो आपको सब्जियाँ गली मैदान वाली साइड ज़रूर आना चाहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।